अभी भाई यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं फ्री फायर को अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। ये क्या बात करता है यार, क्योंकि यार ये OB37 अपडेट के बाद फ्री फायर ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसे देखने के बाद मेरा भी कान फट गया और मकई बंदों का भी फट रहा है। और इसके बाद ये उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे खतरनाक चीज से चेंजेस किए हैं जिसे देखने के बाद मेरा भी लग चुका है एकदम। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं गेम खेलूँ या नहीं खेलूँ। मैं गेम को करीब से करीब 6-7 बार डिलीट कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एल लगते ही जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है, सीरियसली गाइस अपडेट के वजह से मेरा हर गेम लॉस हो रहा है। जहाँ तक कि हमें हीरोइका 16 स्टार पहुँचने में 32 गेम लगता है, यहाँ पर मैं 150 गेम खेल चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरा हीरोइका 10 स्टार लगा हुआ है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और मैं भी आपको बताने वाला कुछ ऐसे अच्छे चेंजेस जो फ्री फायर ने किए और जो बुरे चेंजेस किए, एकदम बहुत ही बेहुदा चेंजेस मैं अभी भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहना आगे के लिए। तो पहले हम लोग फ्री फायर के कुछ अच्छे चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारा नंबर वन पर आता है कि जब ये मैच लगाते थे तो उससे पहले हम एयर ड्रॉप और सुमन एयर ड्रॉप यूज करने का उसका एक टाइमिंग लगा हुआ रहता था, लेकिन उसे अपडेट के बाद उसे नॉर्मल कर दिया गया है। और जैसे कि हम लोग बोनीफायर को सिर्फ एक बार यूज कर सकते थे वो भी टाइम के बाद, लेकिन अभी के टाइम में हम उसको 3 बार यूज कर सकते हैं वो भी किसी भी टाइम। क्या बात है सर। और हमारा सेकंड नंबर पे आता है कि ड्रैग और हेडशॉट। मतलब कि जितने भी बंदे होते थे वो सिंपली आते थे हेडशॉट मार के चले जाते थे, लेकिन अपडेट के बाद उसने क्या किया कि आप लोगों का हेडशॉट रेट थोड़ा कम कर दिया है। मतलब कि जो डैमेज हमें पहले M500 से 210 का पड़ता था वो अभी 150 का पड़ता है। जैसे कि आप लोग भी कभी कभी देखते हो कि बंदा एक गोली मारने के बाद भी बच जाता है 1 HP का या फिर 15 HP का, तो ये अच्छा चेंजेस किया है। बस यही दो चेंजेस है जो फ्री फायर ने कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्री फायर के बैड चेंजेस। ये क्या बात करता है यार, जो कि एकदम घटिया है, घटिया से भी क्या कहूँगा, एकदम पूरा बदतर है। इसे देखने के बाद सारे बंदे उसे थू थू करके जा रहे हैं। तो बैड चेंजेस में हमारा पहला नंबर पर आता है मैप, जो कि BR रैंकेड में हम लोगों को सिर्फ एक ही मैप दिखाया जाता है, नेक्स्ट्रा मैप, जो कि बहुत सारे बंदों को नहीं पसंद है। क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं रैंक पुश करते हैं तो वो सिर्फ बरमुडा के मैप में ही खेलते हैं, क्योंकि अदर मैप वो डाउनलोड करके रखते नहीं है, वो और पसंद भी होता है तो सिर्फ प्रोगेटरी मैप ही आता है। आता नहीं है मतलब कि वो खेलते रहते हैं तो ज़्यादातर हम लोग का बरमुडा रहता है और प्रोडक्टरी रहता है, तो बंदे लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन होगा क्या अपडेट के बाद OB37 के बाद कि आप लोगों को सिर्फ एक ही मैप मिल रहा है देखने के लिए, नेक्स्ट्रा वाला, और बहुत सारे बंदे इसे हेट करते हैं और इसमें कुछ समझ में नहीं आता। बंदे लोग किधर से आते किधर से जाता है, पेल के चले जाता है, हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं भी पिछले सेवन पे मास्टर पे था, सोचा था इस बार बहुत ही जल्दी पुश करके ग्रैंड मास्टर जाऊँगा, लेकिन इस मैप की वजह से मेरा माइनस लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं अभी हीरोइक का सिर्फ 4 स्टार पर ही हूँ, डेली का सिर्फ बोनस पॉइंट लेके मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये मैप जल्द ही जल्द BR से रिमूव किया जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। हमारा तीसरा नंबर पर चेंजेस आता है वो है हीलिंग बैटल, जो कि बहुत सारे बंदे होते हैं कि जोन के बाहर रह के हीलिंग बैटल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप लोग अच्छा सोच रहे हो कि जोन के बाहर रह के आप लोग हीलिंग बैटल कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि जो हमारे पहले तीसरी जोन में 3 HP काटती थी वो अब काटने वाली है 5 HP, मतलब कि एकदम पूरा एल लगा दे चुका है। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो आप लोग हीलिंग बैटल नहीं कर सकते जोन के बाहर रहकर। इन सारे चेंजेस को देखते हुए मुझे तो लगता है सारे बंदे गेम छोड़ने वाले हैं, जो कि नहीं छोड़ने वाले भी होते हैं वो भी छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। मुझे भी लगता है मुझे गेम छोड़ देना चाहिए, लेकिन आदत पड़ गई है गेम की तो मुझे खेलना पड़ता है, क्या करो भाई, मजबूरी है। चौथा नंबर पर आता है कि हम लोग जब मैप में जाते हैं तो हम लोग स्कनर और मोनेट टोकन कुछ भी जरूर डाउन लेकर आते हैं, लेकिन अपडेट के बाद क्या किया है कि हम लोग किसी दोनों में से किसी एक चीज़ को लेना है। अगर हम लोगों को बोनीफायर लेना है तो बोनीफायर ले सकते हैं, स्कैनर नहीं ले सकते, मतलब कि एकदम पूरा एल का चुका है। हम दोनों को दोनों में से किसी एक को ही लेना पड़ेगा, जो कि ये बहुत एकदम घटिया चेंजेस है। और हमारा पांचवा नंबर पर आता है कि CS रैंक, और आप लोग भी अभी CS रैंक खेल रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे फिर बहुत सारा सिर्फ नेक्स्ट्रा मैप ही आता होगा, मतलब कि आप लोग अगर 10 गेम खेलते हो तो 10 में से आप लोगों को 8 गेम सिर्फ नेक्स्ट्रा मैप का ही आता होगा। मतलब कि ये मैप को पूरा बंदा हेट कर रहे हैं, इसे बंदा आता है टेलीपोर्ट के पेल के चला जाता है, ये कोई बात हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है फ्री फायर। अच्छा, छठा नंबर पर आता है M10, जो कि M10 में अभी के टाइम में ट्रिपल चीप लगता है, और आप लोगों को पता होगा कि M10 का ही वोगन में रेट ऑफ फायर डबल है। आप लोग सोच लो यार, अगर वो लोग ट्रिपल चीप लगाएगा तो हम लोग को क्या होगा, मतलब कि पूरी तरह से लग जाएगा भाई, एक तो डबल रेट ऑफ फायर ऊपर से ट्रिपल चीप, गजब है भाई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सा चीज़ कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं भी लगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा फ्री फायर को।
सपोर्ट किया, उसकी तैयार लग चुकी है पहले ही। और बेकार सर चेंजेस करके अपने आप को एल लगवा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत कर से आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार भाई को।